दोस्तों आज हम जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड की लिमिट एंड चार्जेस के बारे में दोस्तों जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि एक मास्टर कार्ड है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड है सबको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा लेकिन फ्यूचर में फिजिकल डेबिट कार्ड और ए कार्ड लॉन्च होने वाला है तो चलिए जानते इस वर्चुअल डेबिट कार्ड की लिमिट एंड चार्जेस के बारे में दोस्तों ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको एयरटेल थैंक्स में मिल जाएगा जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे तब आपको ये वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा पहले आप एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कीजिए देन यहाँ पे होम होम स्क्रीन में यहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए देन आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगा यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद एम पिन को दीजिए आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों अगर आपने एयरटेल थैंक्स वॉलेट ओपन किया है तो आपको प्रीपेड कार्ड और एक वॉलेट वॉलेट कार्ड मिलेगा जिसका लिमिट कम है इस वॉलेट प्रीपेड कार्ड का डेली ट्रांजेक्शन लिमिट नौ हज़ार रुपये है यानी डेली आप नौ हज़ार रुपये तक तो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये वॉलेट कार्ड और प्रीपेड कार्ड सिर्फ मिनी के वाई सी यूजर को मिलता है अगर आपने एयरटेल थैंक्स का जो वॉलेट है वो ओपन किया है तो आपको ये प्रीपेड कार्ड मिलेगा लेकिन अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन किया है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन किया है तो आपको क्लासिक कार्ड मिलेगा इस क्लासिक डेबिट कार्ड की डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट पच्चीस हज़ार रुपये है यानी डेली आप मैक्सिमम पच्चीस हज़ार रुपये तक कोई भी पेमेंट कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन पेमेंट इस कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ड सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस डेबिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं एंड वॉलेट कार्ड जो प्रीपेड कार्ड है उसको भी आप सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो मिनी के वाई सी पे आपको मिलेगा मिनी के वाई सी अकाउंट पे मिलेगा लेकिन ये फुल के वाई सी सेविंग अकाउंट पे आपको ये क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा फिजिकल डेबिट कार्ड आने के बाद आप एटीएम में यूज़ कर सकते हैं ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है सिर्फ आप इसको ऑनलाइन में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये वर्चुअल डेबिट कार्ड एकदम फ्री है कोई भी कार्ड की इशू चार्जेस एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है ये एक लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड है वर्चुअल डेबिट कार्ड पर कभी भी चार्जेस नहीं लगता है सिर्फ फिजिकल डेबिट कार्ड पर लगेगा जब फिजिकल डेबिट कार्ड लॉन्च होगा उसमें कार्ड का इशू चार्जेस एंड एनुअल चार्जेस लगेगा दोस्तों यहाँ पे सेट कार्ड लिमिट का एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप कार्ड लिमिट को चेंज कर सकते हैं दोस्तों जब फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई होना स्टार्ट होगा तब यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा तब आप अप्लाई करके आप फिजिकल डेबिट कार्ड ले सकते हो जिसको आप ए में यूज़ कर सकते हैं एंड पी में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये रहा एयरटेल पेमेंट बैंक क्लासिक डेबिट कार्ड की लिमिट एंड चार्जेस के बारे में तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग